हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग डिफॉर्मिटी करेक्शन पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर नीरज, इज 28 ईयर ओल्ड और ये रांची झारखंड से हैं। इनको कमर का दर्द लगभग 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था और उसके 2 साल के बाद कमर का दर्द इनको लेफ्ट लोअर लिम में आ गया। अब बटक से चलते हुए पैर पूरा का पूरा नीचे काफ में और नीचे एंकल तक आ रहा है। पैर में झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, 5 मिनट से ज़्यादा ये चल नहीं सकते हैं और इनको कॉन्स्टेंटली पेन हमेशा बना रहता है। बड़े बड़े सेंटर्स में दिखा चुके हैं, वहाँ पे अभी इनको सर्जरी के लिए ही एडवाइस किया गया है। जब हमने इनको क्लिनिकली एग्जामिन किया तो इनका L4 L5 टेंडरनेस है, L5 S1 टेंडरनेस है, SI जॉइंट पे कोई टेंडरनेस नहीं है और पेशेंट का SLRD इज़ वेरी लो। इनफैक्ट कॉन्ट्रोलेटरल SLRD पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं इनको तकलीफ तो सारी लेफ्ट में है, अगर मैं राइट को भी उठाता हूँ तब भी इनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। कब से तकलीफ चल रही है आपको? 5 से 6 साल हो गए। और क्या क्या तकलीफ रहती है? ये पैर पूरा सोनापन रहता है सर, झंझनाहट होता है, कमर में भी ज्यादा दर्द होता है सर, उठने में बैठने में बहुत दिक्कत होती है। आपको ऑपरेशन के लिए बोला होगा? जी सर, रिंची और रांची हॉस्पिटल में दिखवाए थे तो वो भी सजेशन दिए थे ऑपरेशन। ठीक, अभी मैं आपको तकलीफ लेफ्ट पैर में ना, राइट को उठाई जहाँ आपको लगे दर्द कमर में आ रहा है कुछ होना तो इसके ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो इनको दर्द बढ़ जा रहा है। अगर हम ये वाला देखें जहाँ आपको दर्द लगे स्टार्ट हो गया, इससे ऊपर जा रहा हूँ, 30 पे इनको दर्द आने लगे, इससे ऊपर जा रहा हूँ तो जाते दर्द बढ़ रहा है। और अगर अभी जी सर ज्यादा हो गया, सो जैसे मैंने कंप्रेशन बढ़ाया, स्ट्रेच बढ़ाया नर्व के ऊपर, तो इनको दर्द बढ़ गया। सो आई हैव एग्जामिन थोरली और हम इनको कर रहे हैं β 1 2 3 ऑन लेफ्ट साइड। उसके साथ में मैं इनको टाउ ब्लॉक की तरफ भी जा रहा हूँ कमर में, एंड देन वी विल सी कि आफ्टर 20 मिनट्स कैसे गेम कर। DSCP β 1 2 3 मैंने इनको लेफ्ट साइड में लगा दिया, एंड वी विल सी आफ्टर 20 मिनट्स की इनके पैर में दर्द में कितनी क्या रिलीफ आ रही है और फिर से देखो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट आए नीरज रांची से, इनको हमने β 1 2 3 और टाउ ब्लॉक लगाया था, एंड वी वांट टू सी द SLRT कि आफ्टर 20-30 मिनट्स के बाद SLRT में कितनी इंप्रूवमेंट इनको आ रही है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रोलेटरल SLRT पॉजिटिव था। इनको पैर में दर्द है लेफ्ट में, टाइट वाला नहीं, जहाँ पर खिंचाव लगे हुए हैं, यहाँ पे खिंचाव शुरू हो रहा है। सो अगर आप पहले का देखते हो तो इट वाज ऑलमोस्ट 40 और अभी ऑलमोस्ट आ रहा है 70-80 के आसपास। और इस वाले को उठाई, इसमें सबसे ज़्यादा सिवियरिटी था जहाँ आपको दर्द लगे हुए थे यहाँ पे, सो इट वाज ऑलमोस्ट 30। पहले कितने में आ रहा था? नीचे इतने में दर्द आ रहा था, अब यहाँ से शुरुआत हुई है, ये शुरू हुआ है अभी, और ऊपर इतना सीवियर बहुत ज्यादा आ गया, सिर्फ शुरुआत हुई है, हल्का दर्द चालू हुआ। तो 80 पे जाके इनको हल्का दर्द चालू हुआ है, जो SLRT पहले 30 पे इनको दर्द शुरू हो जा रहा था, अब वो 80 पे जाके दर्द शुरुआत हो रही है। सो DSCP इज वर्किंग, DSCP ने अपना 20 मिनट्स के 30 मिनट्स का बोलते हैं क्या असर आने लगता है। नंबर 1 इज SLRT इंप्रूवमेंट, की पेशेंट को स्ट्रेट लेग रेज में इंप्रूवमेंट आने लगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जो है इनकी वो सारी की सारी रिलैक्स हो जाती है, काफ मसल रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि इनकी नमनेस, सुनपन, झंझनाहट, भारीपन, ये सब आराम आएगा, लेकिन ये कोई भी 20 मिनट या 25 मिनट में इसका आराम नहीं आता है। एक बार आप उठ सकते हो और एक बार चल के देखिए कि आपको अभी भारीपन में, जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर 2% लॉक्स एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, तो पेशेंट को पैर में भारीपन, पंजे के आसपास सुनपन लगता है, लेकिन अभी दर्द में थोड़ा पहले से कंपैरिजन रिलैक्स है, पहले से ठीक लग रहा है? जी अभी तो कम है। कम है, उम्मीद लग रही है ठीक हो जाओगे? जी सर, उम्मीद दूर से आने में लग रहा है कुछ हो जाएगा? जी सर, इसी में तो आए तब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। झारखंड रांची से आए हुए हमारे पास और काफी सालों से परेशान है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनको हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, DSCP इंजेक्शन इज प्योरली ए पेन मैनेजमेंट टेक्निक और इसमें हम इसको अलग अलग तरीके, अलग अलग कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि प्योर
डिस्क प्रोलैप्स, अगर किसी को लंबर स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स है। नंबर टू इज शटी का पेन, किसी को लेग में पेन आ रहा है। सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन भी आ रहा है, उसके अंदर भी इसको दे सकते हैं। और इसके सक्सेस रेट यंग पेशेंट्स के अंदर 80-90% है। 80-90% पेशेंट्स जिनके अंदर डिस्क की समस्या है वो बिल्कुल बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स को रिपीट करना पड़ सकता है। इंजेक्शन के साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ही ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके परिवार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी समय सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे में भी आपको कोई भी न्यू अपडेट्स आती है इसके बारे में आपको आप तक पहुँच सके, और आगे भी ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।